हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के लेडीज थम सॉक्स इसको आप लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए बना सकते हैं और देखिए इसको मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर इसका एंड किया है और इसका बेस भी देखिए काफ़ी प्यारा बन के कम्प्लीट हुआ है और ये देखिए छ और सात नंबर को ईजिली आ जाएगा और आप बूल के हिसाब से इसमें फंदे यहाँ से इतने ही लें आप ये डिजाइन भी इतनी ही डालें यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं हम बनाए उससे पहले ये चार रो एक्स्ट्रा बना लें तो ये बड़ा बन जाएगा और इतना ही बनाएंगे तो ये इसी साइज का बनेगा आप अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे कर लें तो ये छोटा और बड़ा आप जिस नाप का चाहिए आप वो बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों तरफ की आठ रो बना ली है एक दो तीन चार इधर से चार और इधर से चार और देखिए यहाँ पे हमने फिफ्टी वन फंदे डाले हैं इक्यावन फंदे अब हम तीन जगह इन फंदों को डिवाइड करेंगे बीस फंदे हम यहां लेंगे बीस यहां लेंगे ग्यारह फंदों में हम डिजाइन डालेंगे तो पहले देखिए एक फंदा हम उतारेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस ये यह देखिए यहाँ पे अब हम सेकंड कलर ऐड कर लेंगे अब यहां से देखिए हम एक दो तीन चार पांच ये देखिए पांच फंदे हम इधर रखेंगे पांच इधर क्रीम कलर के रखेंगे एक फंदा पे हम जाली डालेंगे तो देखिए भूल को हम अपने तरफ करेंगे ऐसे इसको बुन देंगे तो यहाँ पे देखिए एक जाली डल गई एक फंदा सीधा आ गया अब मुझे पांच फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं तो बुल को हम आगे करेंगे और यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच अब देखिए यहां से हम दूसरे गोले को ऐड कर रहे हैं ये मैं दो गोले लगा रही हूं इधर से धागा लंबा हो जाएगा इसलिए तो यहाँ पे हम इसको क्रीम कलर को यही छोड़ेंगे और इसी में हम ऐड कर लेंगे ये रेड कलर नोट लगाते हुए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ये देखिए हमने यहाँ पे नोट लगा ली और देखिए यहां से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और देखिए बीस अब उल्टी रो में हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें इन्हें फंदों को उल्टा ही बुनना है ये देखिए ऐसे दो तो ये पूरी रो हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे हम उल्टे तरफ की एक रो आपको ये दिखाएंगे बाकी रो सेम तरीके से बनेंगी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो वो रो हम आपको नहीं दिखाएंगे ये वाली रो हम आपको दिखा दे रहे हैं पूरी कंप्लीट करके ये देखिए यहां पे देखिए इस वाली बूल को हम ऐसे कर देंगे एक बार ताकि ये दो फंदे इस साइड में आ जाए तो यहां पे ये होल ना हो ये आपको हर उसमें करनी है यहां से देखिए एक और इस वाली को भी यहां से क्योंकि रेड हमें वापस छोड़नी है यहीं पे तो हम इधर से इसको कर देंगे दो तीन चार पांच देखिए इनको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये देखिए अब इसको हम इधर कर देंगे यहां से ये वाला हम बुल लगा लेंगे और थोड़ा सा हम इसको भी एक फंदे तक ऐसे कर देंगे और ये वाली रो हम पूरी उल्टा बुनेंगे अब देखिए सीधी रो में हम ये देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस ये देखिए बीस फंदे हमने बना लिए इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से देखिए क्रीम कलर से ये एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे के बाद हम वापस आगे करेंगे और जाली डालेंगे देखिए बड़ा हुआ फंदा जो है उसको हम बीच में ऐड करेंगे अब हम तीन फंदे बीच में रखेंगे ये देखिए ये इस तरह से दो तीन ये देखिए बूल को आगे करेंगे और ये वाले फंदे ऐसे बुन देंगे तो बीच में हमारे पास पांच फंदे आ गए अब अब देखिए यहां से हम इसको ऐसे इधर को कर देंगे और देखिए यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगी देखिए आगे को यहाँ से हम ये रेड कलर से बुनेंगे अब इधर की रो ये वाली सीधी बुनेंगे और उल्टी रो पूरा हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और सीधी रो में यहाँ तक बना लेंगे फिर दिखाएंगे आपको यहाँ पे हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली और सीधी रो में हमने ये बीस फंदे सीधे बुन लिए अब देखिए हम इसको इधर करेंगे और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार और पांच ये देखिए पांच फंदे बनाने के बाद हम भूल अपने तरफ करेंगे यहाँ पे हम जाली डालेंगे तो एक दो तीन चार पांच पांच हमने देखिए ये बुने इधर का भी फंदा हम इद, बीच में ही ऐड कर रहे हैं अब भूल को आगे करेंगे इधर के हम पांच फंदे फिर से सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच अब इसको हम ऐसे करके देखिए क्रॉस करा देंगे ये देखिए इस तरह से और यहां से देखिए ये इधर आ जाएगा यहां से हम ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बनाएंगे और यहाँ तक हम ये सीधे बना लेंगे फिर दिखाएंगे आगे ये देखिए उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली और बीस फंदे हमने फिर से सीधे बुन लिए अब यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे इसके ऊपर से इसको इसके नीचे से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे बनाने के बाद अब हम बुल आगे करेंगे और यहाँ पे देखिए ये देखिए जारी डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और यहाँ पे हम ये पांच फंदे बुनेंगे जाली डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये नौ फंदे हो गए एक हमने इसका बुन लिया ये ग्यारह फंदों तक हम यहाँ पे जालियां डालेंगे जब बीच में ग्यारह फंदे हो जाएंगे फिर हम चेंज करेंगे इसमें डिजाइन तो देखिए ये वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा और सीधी रो में ये बीस फंदे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे उल्टी रो कंप्लीट करके हमने सीधी रो में ये वाले फंदे बना लिए अब देखिए इसको हम इधर करेंगे यहाँ से इसको आपको ध्यान से करना है नहीं तो यहाँ पे ये यह होल हो जाएगा ये देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे के बाद भूल हम अपने तरफ करेंगे अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ अब देखिए इस रो में हमारे पास ये ग्यारह फंदे हो जाएंगे देखिए ये देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अब भूल को आगे करेंगे और ये पांच फंदे बुनेंगे देखिए ग्यारह इस रो में हमारे पास ग्यारह फंदे हो गए ये देखिए। अब इसको हम ऐसे कर देंगे यहां से देखिए इसको आपको ऐसे बुनना है अब हम ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे और ये वाले बीस फंदे सीधे बना लेंगे सीधी रो। ये देखिए उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली सीधी रो में हमने ये बीस फंदे सीधे बुने अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्यारह फंदे आ गए हैं जो हमने ग्यारह फंदे से डिजाइन स्टार्ट की थी अब हम ये वाले फंदे पांच रेड बना लेंगे इसमें से डिजाइन डालेंगे तो इसी को आपको रिपीट करना ये देखिए बीस फंदे के बाद अब यहाँ पे एक दो तीन चार और इस वाली बूल को हम ऐसे कर लेंगे पांच ये देखिए यहां तक हमने ये पांच फंदे इस कलर से कर लिए अब इसमें से देखिए यहां से हम एक दो तीन चार और पांच ये देखिए पांच फंदे ग्यारह फंदे में से हमने ये पांच फंदे सीधे बुन लिए जो हम यहाँ पे चला रहे थे अब यहाँ पे हम बूल आगे करेंगे इस पे जाली डालेंगे ये देखिए ऐसे अब इधर भी हमें जाली डालनी है देखिए इधर भी हमारे पास पांच फंदे हैं ये आपके जब ग्यारह फंदे हो जाएंगे तभी ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी एक दो तीन चार पाँच ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये जाली डाल ली अब इसको हम ऐसे कर देंगे और इस वाली बूल को हम आगे थोड़ा सा लूज करके लाएंगे ये देखिए इतना लूज है इधर खिंचा नहीं होना चाहिए और ये वाले फंदे देखिए हमने इधर भी पांच रेड कर लिए ऐसे दो, तीन चार और देखिए ये पांच अब यहाँ से ये पच्चीस फंदे मेरे पास सीधे हो जाएंगे ये देखिए अब हम ये सीधा बुनते हुए और उल्टी रो कंप्लीट करते हुए दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली अब देखिए इसी तरीके से हम ये देखिए यहाँ पे तीन फंदे हैं। जब ग्यारह फंदे हो जाएंगे हमारे पास तब हम ये वाले फंदे रेड कर लेंगे इधर के और इधर के और बीच में जाली डालेंगे जैसे हमने ये डाली है तो ऐसे ही हम इसको आगे बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इसकी लंबाई को फिर हम आपको दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया और यहाँ पे देखिए एक दो और तीन तीन डिजाइन ये डल के कंप्लीट हो गई चौथी यहां से एक बार हमने डाली है अब हम सारे फंदे उल्टे तरफ से रेड कलर से ही बुन लेंगे ये देखिए और हमारे पास यहाँ पे तिरासी फंदे हैं एट्टी थ्री फंदे हैं टोटल आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं अब देखिए हमने ये वाले सारे फंदे रेड से ही बुन लिए ये देखिए अब यहां से हम इसको ऐसे कर देंगे इस आगे से ही बुन देंगे अब देखिए यहां पे हम ये ऐसे चार रो बना लेते हैं दो गांठ स्टिच इधर आ जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे सीधे ये देखिए यहाँ पे तीन रो हमने कंप्लीट कर ली है आप देखिए चौथी रो में हम फंदे आधे आधे कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तिरासी फंदे हैं एटी थ्री फंदे तो देखिए यहाँ पे हम पहले एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ इकतालीस फंदे बुनेंगे फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे चालीस फंदे हमने बुने इकतालीस फंदे के साथ हम दो का एक करेंगे एक फंदा हम यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि हमें इकतालीस फंदे इधर चाहिए इकतालीस इधर चाहिए और मेरे पास तिरासी फंदे हैं तो यहीं से अब हम पलट जाएंगे और एक साइड का हम थम बना के कम्प्लीट करेंगे अब हम दोनों तरफ से इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी लंबाई को पूरा कर लेंगे फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा बुनना है ऐसे ये देखिए एक तरफ का हमने ये बना लिया और देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात सात रो डाली है दोनों तरफ की चौदह रो अब इधर से हम इन फंदों को बंद कर देंगे सारे फंदे दो का एक करते हुए हमें बंद करने हैं ऐसे ये देखिए इनको ज्यादा टाइट बंद नहीं करना है मीडियम बंद करना है तो हम इनको बंद कर लेते हैं इधर के हमने फंदे बंद कर दिए अब हम इस साइड में बोल को ऐड करेंगे और इस साइड से बनाएंगे ये देखिए यहाँ से हमने अलग से बनाना है तो यहाँ से अब हम इतनी रो बना के कम्प्लीट करेंगे और फंदे बंद कर लेंगे फिर दिखाएंगे आगे ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए सीधा साइड अंदर कर दिया मैंने और यहाँ से देखिए ऊपर से यहां तक हम सिलेंगे पहले ये देखिए इस तरह से यहां तक हम पहले मिलाते हुए इसको सिलते आएंगे इस तरह से यहां से लेके हम एडी तक पहले इसकी सिलाई कर लेंगे इसको मिलाते हुए आपको सिलना है ये देखिए। अब देखिए यहां तक हमने ये सिल लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से लेके देखिए इतना इसको ऐसे नाप लेंगे इतना देखिए यहाँ तक और हम इतना ये दोनों बराबर करके इधर भी बराबर करके सिल लेते हैं ये यह देखिए यहाँ तक हमने सिल दिया यहाँ पे हम इसे एक बार पक्का कर देंगे और अब देखिए हम इनको दोनों को अलग अलग सिलेंगे दोनों पार्ट इसके अलग अलग सिल देंगे यहाँ से हम पहले इसे ऐसे टाँग देंगे ताकि यहाँ से पहनने पर खिंचे नहीं है ये देखिए अब हम इस साइड का पहले सिल लेंगे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको भी पक्का कर देंगे और देखिए यहाँ से लेके वापस हम धागे को इसी को लाएंगे ऐसे हल्का सा करते हुए और देखिए ऐसे इसको लूज छोड़ देंगे इतना अब इस साइड में भी हम इसको ऐसे ही सिलेंगे ये देखिए ये देखिए यहां तक हमने ये सिल लिया अब हम यहाँ पे इसी धागे से नोट लगा देंगे उसके बाद कट कर दें